हेलो दोस्तों, मैं मिथिला की रसोई से मिथिला। देखिए, अब मटर का सीजन जो है वो आप हो रहा है, तो मटर मैंने मंगाई थी। मैं दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल सूखी। ये देखिए दोस्तों, ये मटर मैंने कल मंगाई थी 1 किलो। तो देखिए अब इसमें कैसी आने लग गई है, देखिए सूखी सूखी सी। और ये देखिए, अब इसका नमकीन भी नहीं अच्छा लगता, निमोना भी नहीं अच्छा लगता, तो उबाल के भले खा लो। ये देखिए, बहुत छांटनी पड़ेंगी। ये देखिए, ये सब फेंक देने वाली आ गई है। ये देखिए, तो आज वही मैंने सोचा कि थोड़ा सा नमकीन बनाते हैं, और उसके पहले थोड़ी तहरी बनाने जा रहे हैं। तो मैं तहरी बनाने जा रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए, ये देखिए मैंने 1 कप चावल, ये देहरादूनी चावल है, लंबा वाला। आप चाहे तो छोटा वाला, मेरे पास था नहीं, और तो अच्छा उसी का लगता है, मीठा लगता है। जो घर का चावल होता है उसमें मिठास होती, इस चावल में कोई मिठास नहीं होती, लेकिन मेरे पास था नहीं तो मैं इसका बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, ये मेरे इतने मटर के दाने हैं, ये, और ये इतनी गाजर है, ज्यादा कुछ डालेंगे नहीं, इतनी सब्जी। और ये मेरा कुकर चढ़ गया, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज। देखिए दोस्तों, ये मैंने तेल डाल दिया, ये मेरा तिल का तेल है, बहुत थोड़ा सा डाला है मैंने। ये देखिए, इसका मैं इस्तेमाल अभी खत्म हो गया। ये देखिए, कनोडिया कोल्हू ब्रांड, ये बहुत अच्छा है, मैं इसी की तिल का तेल का इस्तेमाल करती हूँ, या मूंगफली के तेल का। डालडा और रिफाइन में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो चलिए देखिए, इसमें हम डालते हैं थोड़ा जीरा। सिंपल बनाएंगे क्योंकि छोटा बच्चा है घर में। तो ये देखिए, थोड़ा ये डाल दिया मैंने जीरा, और थोड़ी सी काली मिर्च, एक लौंग, देखिए एक लौंग फूल निकली हुई, अब डालते हैं इसमें चावल। अब सभी लोग आइए और खाइए चावल और खिचड़ी या तहरी, जो भी आप बोले। ये देखिए, छोटे बच्चे को खाना है, ज्यादा इसमें मिर्च मसाले नहीं डालेंगे, इसी चावल को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। इसमें डाल देते हैं पानी, 1.5 कप करीब चावल है तो 3 कप, 1 कप अगर चावल है तो 2 कप पानी आता है। ये थोड़ा लंबा वाला चावल है, और तहरी बनानी है तो थोड़ा खड़ी खड़ी ही रखेंगे, इसलिए देखते हैं इसको भी। देखिए, जरा सा हम हल्दी डाल देते हैं इसमें, बहुत थोड़ी सी। इतना काफी है। प्रेशर लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसी चावल में, इसी कुकर के चावल में मैंने ये डिब्बे में थोड़ा सा चावल रख दिया था, क्योंकि बच्चा है तो वो पुलाव, ये मतलब गाजर मटर ये सब नहीं खाता, तो मैंने ये देखिए हल्का कुक हो गया था, इसमें दिया। अब देखिए, इसमें मैंने गाजर और मटर डाल दिया है। ये देखिए, ये गाजर मटर डाला है, 60% चावल पक गया, इसके बाद मैंने इसमें गाजर और मटर डाला है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि चावल अभी थोड़ा कच्चा है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो है, ये डिब्बा, ये इसी के अंदर रख देंगे, जैसे थोड़ा चावल ये भी पक जाए, बच्चे का है। और ये मेरा चावल है, इसमें गाजर पड़ी हुई, मटर पड़ी हुई। देखिए, थोड़ी सी गाजर मैं और काट के डाल देती हूँ, फायदा करती है गाजर, वो अच्छी लगती है देखने में, बहुत डिसेंट सा लगता है। देखिए, बहुत छोटे छोटे पीस, चेरी जैसे, ये। और चाहे आप तो थोड़ा सा काजू वाजू भी डाल दें, मैं तो काजू खैर नहीं डाल रही हूं,
लेकिन गाजर डाल दिया मैंने, गाजर और मटर। ये देखिए, ये अब इसको गैस को हम फिर से जला देते हैं। ये देखिए स्लो कर देंगे, इसके अंदर इसको रख देंगे, इसको बराबर कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा भाप और लग जाए, प्रेशर मतलब। ठीक है, अब इसको ऐसे बंद करके देखिए, इसको ऐसे रख देते हैं, इसकी सीटी निकाल देते हैं। ये देखिए अब ये 2 मिनट में इससे दम लग जाएगी, तो इसके बाद वो जो बच्चे वाला चावल है वो उसी के अंदर रखा वो भी पक जाएगा और ये गाजर मटर भी पक जाएगी। क्योंकि जब 70% चावल पक गया है, इसके बाद मैंने गाजर मटर डाली है, तो थोड़ा मटर भी अब पुरानी हो गई, नई नहीं है कि मुलायम है, तो अभी मैंने आपको मटर दिखाई और गाजर भी थोड़ा कड़ी होती है, तो 70% वैसे पका हुआ था, 30% इसमें पकेगा, ये दम में मतलब इससे दम लग जाएगी, जैसे बिरयानी में आप लोग लगाते हो। अब देखिए 30 मिनट में भी खोल के आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, देखते हैं इसको, इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए चावल पक गया है इस बच्चे का, और अब देखते हैं अपना गैस को कर देते हैं, ये भी बन गया। ये देखिए, देखिए कितना छिटका छिटका, लेकिन इसको अभी हम परोसेंगे नहीं। चावल कभी भी बनाए, चावल बनाए या तहरी बनाए, ये एक किचन टिप्स है कि उसको कभी भी गैस बंद करके तुरंत नहीं परसें, नहीं तो चावल नीचे कुकर में चिपक जाता है। तो ये देखिए इसको थोड़ी देर बंद कर देते, तब इसके बाद आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये देखिए इधर गैस बंद है, देखिए ये गैस बंद कर दी। चावल, पुलाव, खिचड़ी, जो सूखी चीज हम बनाते हैं राइस से संबंधित, उसको कभी भी तुरंत नहीं परोसना चाहिए। अभी हम आपको परोस के दिखा दें, आधे से ज्यादा चावल नीचे तली में चिपक जाएगा, इसलिए तुरंत नहीं परसे, इसको ठंडा होने दें तब इसको परसे। अभी हम थोड़ी देर में परोस के आप सबको खिलाते हैं। देखिए दोस्तों, हम खोलने जा रहे हैं कुकर। ये देखिए जो मैंने ढक के रख दिया था, इसलिए देखिए, तो आप जब भी देखिए कुकर बिल्कुल खाली नीचे, मैं अभी सारा चावल कुकर में चिपक जाता, तो अब देखिए हम सर्व करते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए ये रखती, और थोड़ा चाहे आप तो ऊपर से धनिया सर्व कर दें, या हमारे बच्चों को कम ऊपर से तहरी में कम अच्छी लगती इन लोग को ऊपर से। ये देखिए खूब ढेर सारा घी डाल दें, आइए आप सभी लोग खाइए, बहुत बढ़िया तहरी बन के तैयार हुई। ये कैसी लग रही है आप सबको, देखिए मेरी तहरी तैयार हो गई। 2 मिनट में तहरी बन के, अगर छोटी भूख लगी हो तो फटाक से तहरी बनाइए और खा लीजिए। देखिए चावल एक एक दाना अलग हो गया। ये देखिए आपको कैसी लगी मेरी तहरी, अगर आपका मन हो तो हरी धनिया डाल दें। मैंने बताया ना कि थोड़ा हमारे यहाँ घर में कम अच्छा लगता है ऊपर से हरी धनिया, ये लोग कम खाते हैं। ये देखिए अब इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम सिर्फ घी डालेंगे। और इसके साथ आप सबको क्या पसंद है, मेरे यहाँ तो दही पापड़ चलेगा। ये देखिए ये घी पड़ गया ज्यादा सा है, और अब दही, जीरा, नमक पड़ा हुआ, सिर्फ हो तो उबली आलू काट के डाल दो, आज उबली आलू है नहीं, तो सिर्फ दही और खीरे के सैलेड और पापड़ भुना हुआ मूंग का। ये देखिए अभी भूनते हैं उसको भी, आप पहले मेरी तहरी देखिए और प्लीज सब्सक्राइब भी करें। देखिए ये समझ लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।